आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मसल असाइलम के रोवे प्रोटीन को। आप लोगों ने इस प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए इतने ज्यादा कमेंट करे किन भाइयों ने करे, उनके नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाइयों के मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज आते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट रिव्यू कर दो, इसके साथ में एक टी शर्ट फ्री मिल रही है, एक शेकर फ्री मिल रहा है, एक जिम बैग फ्री मिल रहा है, काफी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी वे प्रोटीन को क्यों खरीदते हो? अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए खरीदते हो, या फिर जिम बैग के लिए खरीदते हो, या टी शर्ट के लिए खरीदते हो? इन सब चीजों के लिए शॉप्स अलग हैं, आप वहां जाके आराम से परचेज कर सकते हैं। वे प्रोटीन को खरीदो अपना प्रोटीन कंटेंट पूरे दिन का पूरा करने के लिए। अगर आपको टी शर्ट मिल गई, बैग मिल गया, शेकर मिल गया, लेकिन उसमें से प्रोटीन ही नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ आपको ऐसे प्रोडक्ट परचेज करने का? क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसी मार्केटिंग शुरू हो गई है कि बॉक्स में ग्लूकोन-डी भर के बेचना शुरू कर दिया है, माल्टोडेक्सिन भर के बेचना शुरू कर दिया है 1000 रुपए में, 1200 रुपए में, और आप सोचते हो कि एक टी शर्ट के साथ मैं ये ले रहा हूँ, एक जिम बैग मिल रहा है, तो मेरी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप अपनी सेहत को खराब कर लोगे। सो आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया करो कि यह प्रोडक्ट कैसा है, इसके बारे में कौन से यूट्यूबर ने क्या बोला है। जो वीडियो आपने देखी है प्रमोशनल है, या किसी ने अपनी मर्जी से करी हुई है, किसी ने सेवा भाव से करी हुई है। सो मैं नहीं समझता कि आपको बताना पड़ेगा कौन से यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखनी है, आपको अच्छे से पता है। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट के लिए आपने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों करी, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि इसका प्राइस आ रहा है 840 रुपए में। 1 kg प्रोडक्ट आपने देखा और आपने सोचा कि हाँ ये तो मेरे बजट में फिट है, मैं इसे ही परचेज करूंगा। वहां से दोस्तों रोल शुरू होता है यूट्यूबर्स का, जो कि आपको सच बताने की कोशिश करते हैं कि आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेवारी है। हमारा फर्ज है आपको फैक्ट्स बताना जो हमें फील होते हैं, लेना ना लेना पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपकी अपनी समझ है। प्राइस की बात हो गई दोस्तों, 840 रुपए में 1 kg का ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बॉक्स इसका बहुत बढ़िया लगा हुआ है, प्रीमियम पैकिंग है, जबकि आजकल बहुत सारे वे प्रोटीन जो हम 1400-1500 की रेंज में खरीद रहे हैं वो भी पाउच की पैकिंग में मिल रहे हैं, वो कंपनीज भी बॉक्स नहीं लगा रही, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। तो ये कंपनी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर वो हमें बॉक्स लगा के दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है मॉइस्चर से बचा रहता है। बात करें दोस्तों अगर कंपनी के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो कंपनी बताती है कि इनका एक स्कूप जो कि 34 ग्राम का होगा, उसमें आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 14 ग्राम 14 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे, और 1 ग्राम फैट मिलेगी, कैलोरीज मिलेंगी 137। इनके अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर दोस्तों नजर डालें कि ये जो प्रोटीन कार्ब्स या फैट हैं कौन से इंग्रेडिएंट में से हमें मिल रहे हैं, तो आप देखो कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट, स्किम्ड मिल्क पाउडर। अब स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या होता है? आपका सूखा दूध, और सूखे दूध की कॉस्टिंग दोस्तों क्या है आपको अच्छे से पता है, ये 100 रुपये kg से लेकर 300 रुपये kg के बीच में आपको मिल जाता है। और हमारे वे प्रोटीन की आज की डेट में कीमत क्या है? 1100-1200 रुपये kg। सो कंपनी ने इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर डाला है, हालांकि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि इसके आपको कोई साइड इफेक्ट या खतरा होगा, अच्छी चीज़ है, डाला है तो कोई इसका आपको नुकसान नहीं होने वाला। वे प्रोटीन कंसंट्रेट, स्किम मिल्क पाउडर और वे प्रोटीन आइसोलेट, एंजाइम ब्लेंड और सुक्रालोज, ये कंपनी की इंग्रेडिएंट लिस्ट है। अब दोस्तों ये चीज़ें आपको मोटी मोटी पिक्चर डाउनलोड करके आपकी अमेजन से या कहीं से आप देख सकते हो, आप रिव्यू देखते हो उन चीज़ों के लिए जो कि आपको पिक्चर्स में से नज़र नहीं आती, जैसे स्कूप की एक्यूरेसी। तो कंपनी क्लेम करती है इनका स्कूप होगा 34 ग्राम का, जब दोस्तों मैंने अपने वेइंग स्केल पे मेजर किया तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आता है 40 ग्राम का, सो 6 ग्राम की एरर आपको इसके स्कूप में देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों अगर इसकी मिक्सेबिलिटी की, तो मिक्सेबिलिटी के लिए दोस्तों मैंने अपने शेकर में 150 ml पानी लिया हुआ है, ये मैंने इसमें डाल दिया है एक स्कूप अपने प्रोटीन का। दोस्तों 8 या 10 सेकंड शेक करने से मैं अपने प्रोडक्ट की मिक्सेबिलिटी का पता चल जाएगा कितने अच्छे तरीके से मिक्स होता है या नहीं होता है। मिक्सेबिलिटी में तो दोस्तों कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया मिक्सेबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया, किसी भी तरह के लम्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। कलर आप देख सकते हो हल्का सा येलोइश कलर, जो कि हमारे रो वे प्रोटीन का होता है, बिल्कुल सेम टेक्सचर आ रहा है। बात करते हैं इसके फ्लेवर की, क्योंकि मुझे पहले भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कंप्लेंट करी थी कि भैया आपने फलां फलां प्रोडक्ट रिव्यू किया था, उसका फ्लेवर बहुत ही गंदा था और वो पिया भी नहीं जा रहा था, तो मैं आपको देख के बता दूं इसमें कोई ऐसा इशू आता है या नहीं आता है। सो फ्लेवर इसका बहुत बढ़िया है, हल्का सा दोस्तों आपको सूखे दूध का टेस्ट, स्किम्ड मिल्क का भी इसमें महसूस होगा, किसी भी तरह की आपको पीने में मुश्किल नहीं होने वाली। हालांकि अनफ्लेवर्ड है, पर फिर भी इसको पीना बहुत आसान रहने वाला है आपके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो क्या है? इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट। कि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको एक स्कूप में
53% प्रोटीन मिलेगा, यानी कि एक स्कूप में 18 ग्राम। कितना मीठा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बेनती करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस नहीं किया हुआ प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही वीडियो और बनाने की। क्योंकि जितना ज्यादा हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा हमें पता लगेगा कि आप भाई वीडियोस को पसंद कर रहे हो, और हम हर वीक आपके लिए कोई ना कोई ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। वापस आते हैं दोस्तों लैब रिपोर्ट पे। तो मेरी लैब रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इसमें आपको प्रोटीन कंटेंट मिलेगा 36.76% ड्राई बेसिस पे, जो कि दोस्तों हो जाएगा 34 ग्राम के स्कूप में 12.49 ग्राम, यानी कि 12.5 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में से इसके आपको मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू। अगला रिव्यू आप किस प्रोडक्ट पे चाहते हैं कमेंट में मेंशन कर दें, ताकि हम उसके ऊपर विचार कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।